आज इस कार्यक्रम जो संचालित किया जा रहा आकाश यूनिट रतलाम द्वारा, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। इतना बड़ा प्रोग्राम किया साथियों, मेरे को कम समय के लिए बोला गया है, मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा। मैं सिर्फ शिक्षा की, आज दिन भर से शिक्षा की बात चल रही है, तो मैं दो शब्द उसी पे बोलूंगा। साथियों, हमारे द्वारा पिछले 2015 से निःशुल्क कोचिंगों का संचालन किया जा रहा था। जो काम किया जा रहा है मैं उसी पे बोलूंगा। मेरी हमेशा आदत रही है कि जो काम हम शुरू करने जा रहे हैं पहले खुद से शुरुआत करें, तो ही हम सफल होंगे। साथियों, हमारे द्वारा 2015 से निःशुल्क कोचिंगों का संचालन किया जा रहा था। रतलाम में आप लोगों ने देखा होगा, चमारी नाके पे कोचिंग क्लासेस हमारे गवर्नमेंट द्वारा संचालित की गई थी। उसके बाद रावटी में की गई थी, जंगावदा में, खांडला में, झाबा में, भाबरा में और अलीराजपुर में करीब 8 से 10 निःशुल्क कोचिंगों का उद्घाटन किया गया था। और उन कोचिंगों से करीब 70 से 80 बच्चे कंपटीशन में अन्य नौकरियों में, पुलिस में, पटवारी में, मंडी में, कृषि विभाग में गए थे उस टाइम में। तो साथियों, इसके साथ ही 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की भी हम लोगों ने वहां पे निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था की गई थी। अभी वर्तमान में 2 साल में कोरोना की वजह से सारी की सारी कोचिंग ठप हो चुकी है, और अभी वर्तमान में हम लोगों द्वारा कोचिंग की जा रही है, लेकिन आर्थिक रूप से कई परेशानी आ रही है। उस समय हमारे द्वारा रतलाम में ग्रुप था, खांडला में था, सेलाना में था। हमारे जो वरिष्ठ कर्मचारी साथी, अधिकारी साथी है, वो आपस में सहयोग करके उन कोचिंगों को संचालित करते थे। साथियों, हमारे जो छात्र लोग थे उन्होंने शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया, तो मैं हमेशा शिक्षा के लिए ही काम करता हूँ और रोजगार की बात करता हूँ, इससे आगे की कोई ज्यादा बात नहीं करता हूँ। साथियों, अभी जो वर्तमान में 2 साल से शिक्षा के लिए जो व्यवस्थाएं गड़बड़ाई, आप सभी को पता है हमारे बच्चे कितने पीछे चले गए। 2 साल में ऐसा होने लग गया कि बच्चों को कुछ भी नहीं आ रहा हो। तो साथियों, मेरा इतना ही कहना, आकाश संगठन जो प्रांतीय पदाधिकारी यहाँ पे उपस्थित है, तो मेरा उनसे निवेदन है कि 2 साल से जो कोचिंग मध्य प्रदेश में लगभग 35 कोचिंग चल रही थी निःशुल्क, तो मेरा आकाश संगठन के प्रांतीय पदाधिकारियों से मेरा निवेदन है कि जो कोचिंग वर्तमान में बंद हो चुकी है उनको पुनः चालू करने के लिए आकाश संगठन की तरफ से सहयोग प्रदान किया जाए और आगे उनको संचालित